स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनोमलस एक्सपेंशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमारे पास एनोमलस एक्सपेंशन जो है वो इररेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर को कहते हैं, कि वाटर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं आम लिक्विड्स के मुकाबले में। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होती है उसमें हमारे पास लिक्विड्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं ड्यू टू हीटिंग, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू कूलिंग की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हीटिंग की वजह से उनमें एक्सपेंशन आती है। अब अगर हम देखें तो वाटर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है कि वो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पहुंचता है, यानी कि जब हमने उसे थर्मल हीट प्रोवाइड की, तो उसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती, बल्कि वो सॉरी मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब उसका टेम्परेचर राइज करता है तो वो एक्सपैंड नहीं करता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑनवर्ड जो है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब तक वो बॉयल नहीं होता, तब उसमें एक्सपेंशन आती है। यानी कि एक खास टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का एक खास टेम्परेचर है, जिसके बाद जो है वो वाटर जो है अपनी एक्सपेंशन जो है वो शो करता है। तो ये जो डिफरेंट बिहेवियर है वाटर का, इसको हम कहते हैं कि एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है। अब हमने आज देखना है कि इसके हमारी डेली लाइफ में क्या क्या जो है अफेक्ट्स हैं। अब उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ग्राफ को स्टडी करेंगे कि हमारे पास डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, और डेंसिटी जो है वो हमारे पास, हमें पता है कि हमारा डेंसिटी एक जो है रेशियो है जो कि है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितना किसी किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसने कितनी जगह घेरी है, तो उससे उसके जरिए हम देख सकते हैं कि कितनी उसकी डेंसिटी है। और जितनी ज्यादा किसी का चीज का कितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतनी ही उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर हम देखें तो जितना किसी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होती है, उतनी ही वो ज्यादा होगी, उतनी वो हैवी होगी बॉडी, यानी कि वो मतलब उसका वेट ज्यादा होगा, इन अदर वर्ड्स। और दूसरी बात ये कि अगर कोई चीज जिसकी डेंसिटी कम होगी, उसका मतलब है कि वो लाइट है, यानी कि वो बहुत हल्की है वो बॉडी। अगर हम देखें कि अब मैंने जो इस टेबल में जो मैंने सॉरी ग्राफ में जो मैंने शो करने की कोशिश की है, वो वाटर के केस में डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज के लिए हमने डेंसिटीज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है और उसके लिए ग्राफ एक ड्रॉ किया है। अगर हम देखें तो हमने टेम्परेचर जो है, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से स्टडी करना शुरू करूँ, यानी कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ पहुँचता जा रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ इसका टेम्परेचर पहुँचता जा रहा है, कोल्ड रीजन्स की बात करें, यानी कि कोल्ड रीजन्स की हम बात करना चाह रहे हैं कि कोल्ड रीजन्स में हमारे पास एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के क्या इफेक्ट्स हैं। तो हम देखें तो हमारे पास यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि हमारे पास एक पॉन्ड है, और उसमें जो है वाटर जो है उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है, यानी कि जो सरफेस ऑफ द वाटर है, वहां क्या बन जाता है, आइस की एक लेयर बन जाती है पूरी, यानी कि एक आइस की पूरी लेयर, यानी कि बहुत ज्यादा जहाँ ठंडे इलाके जो है हमारे, वहां क्या होता है पॉन्ड्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है आइस की। और उससे क्या होता है कि लेकिन जब हम उस एयर को मतलब कि उस आइस को खोदते हैं तो नीचे हमारे पास पानी होता है, जो कि अपने मतलब कि नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन ठंडा पानी होता है, लेकिन यह है कि इतना फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा होता। और उसकी वजह से ये होता है कि हमारे जो फिशेस हैं और जितने भी जो मतलब कि सी 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 जो प्लांट्स होते हैं समंदर में, जो पौधे उगते हैं, वो जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे। तो ये जो है एक बेनिफिट देता है हमारे जो मतलब कि सी लाइफ को, कि वो जो है वो इतने ठंडे इलाकों में भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, वो रह सकती है और लोगों को बेनिफिट दे सकती है। तो अब ये चीज़ जो है ये बिकॉज ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से होता है। अब इसको स्टडी करने के लिए और इसको समझने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है कि जो कि टेम्परेचर वर्सेज डेंसिटी का है, कि अगर हम देखें तो जैसे जैसे कोल्डर रीजन्स में, यानी कि जब जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, उन इलाकों में जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो जीरो की तरफ जाता जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ तो डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती जा रही है, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो जो है हर पॉइंट पे जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, यानी कि डेंसिटी की वैल्यू जब ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि वो चीज हैवी है, यानी कि वो वजन उसका ज्यादा है। तो वो क्या होगा कि अगर मैं जैसा यहाँ एक पॉन्ड बनाऊं,
तो हमारे पास क्या होता है कि वो जो पानी का ये एक पॉन्ड सा होता है, उसमें उसमें जब वो चीज़ हैवी है तो वो नीचे की तरफ बैठती है, यानी कि जैसे हमने देखते हैं कि वो डूबती है, यानी कि ठंडा जो पानी होगा वो नीचे वाली सरफेस पे आके बैठेगा और जो गर्म पानी होगा वो ऊपर वाली सरफेस पे आके शुरू होगा। तो ये एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा कि जिससे जिससे जो ठंडा पानी है वो नीचे जाता रहेगा और गर्म पानी जो है वो ऊपर आता रहेगा, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना पहुंच जाए टेम्परेचर। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी है, यानी कि इस पॉइंट पे जब वो पानी पहुंचेगा तो वो सबसे ज्यादा हैवी होगा। तो सबसे ज्यादा जो पानी हैवी है वो नीचे वाली सतह पे जाके बैठेगा, यानी कि बॉटम सर्फेस पे जाके बैठेगा जैसा कि आपने फिगर में देख रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जो जैसे उससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता जाएगा तो डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि डेंसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इसका क्या मतलब होगा कि वो चीज लाइट होती जा रही है, जब वो लाइट है तो वो ऊपर फ्लोट करेगी, यानी कि ऊपर ऊपर वाली सतह पे बैठेगी। और हमें पता है कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जैसे जैसे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता जाता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एक चीज है कि जो आइस है, हमारे पास आइस अगर हम देखें तो वो एक नॉन कंडक्टर है, यानी कि नॉन कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। नॉन कंडक्टर का क्या मतलब है कि वो हीट को कंडक्ट नहीं होने देती। जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, यानी कि यहाँ आइस इतना कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है कि हमारे पास ऊपर जो है वो बर्फ जम जाती है पानी की, तो उसकी वजह से यहाँ एक आइस की लेयर बन जाएगी। और आइस क्योंकि नॉन कंडक्टर है वो इस वाली हीट को, यानी कि जो नीचे हीट है, क्योंकि नीचे टेम्परेचर क्या है ज्यादा है और ऊपर टेम्परेचर क्या है कम है, तो नीचे वाली हीट को ऊपर नहीं जाने देगी, यानी कि वो उसको बाहर नहीं रिलीज करेगी, जिसकी वजह से जो सी लाइफ है उसको एक मुनासिब टेम्परेचर मिलेगा जहाँ वो एग्जिस्ट कर सकेगी, रह सकेगी, अपनी लाइफ जो है वो चला सकेगी। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो एक खास वैल्यू तक पहुंची है, जिसमें देखिए बहुत लाइट है, और वो लाइट होने की वजह से ही ऊपर वाली, यानी कि उसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में बहुत कम है, तो इस वजह से वो ऊपर फ्लोट करेगी। तो ये स्टूडेंट हमने देखा है आज कि किस तरह से हमारी जो सी लाइफ है वो इतने ठंडे इलाकों में भी एग्जिस्ट कर सकती है। अब देखते हैं कि इसके जो एनोमलस एक्सपेंशन है इसके और क्या इफेक्ट्स हैं। अगर हम देखें तो हमारी जो जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हमने देखा है कि कुछ इलाकों में जो है ना वाटर वाटर के जो पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स अगर मैं यहाँ देखूँ लिखूँ तो वाटर पाइप्स जो हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं, यानी कि ब्रस्ट कर जो फट जाना, यानी कि वाटर के पाइप्स का जो फटना है वो भी अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से होता है। और वो क्यों होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही मतलब कि पानी, जिस तरह अगर यूं पाइप्स के अंदर पानी है हमारे पास, तो पानी जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और उसका टेम्परेचर जो है वो जो हमारे पास जैसे जैसे हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम देखें तो उसकी क्या होता है, यानी कि अगर 100 डिग्री, फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास वाटर का वॉल्यूम था, तो वो जब जब वो एक्सपैंड कर जाता है तो वो 109 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन जो है वो नोट की जाती है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो जब वो एक्सपैंड कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और ये जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है पाइप से, जिसकी वजह से वो जो है वो ब्रस्ट अप कर जाते हैं, यानी कि वो फोर्स लगाते हैं या इन पाइप्स की सराउंडिंग्स पे, जिसकी वजह से जो पाइप्स हैं वो हमारे ब्रस्ट कर जाते हैं। और इसी तरह एक और हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उसमें ये है कि माउंटेन जो है माउंटेन्स के जो रॉक्स होते हैं, यानी कि वो भी जो है उनको क्रैक्स पड़ जाते हैं, यानी कि वो भी कभी कभी ब्रेकअप हो जाते हैं। उनमें उनमें जो क्रैक्स पड़ जाने की रीज़न है वो भी हमारे पास अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से है, कि जब जैसे अगर मेरे पास कोई रॉक है और उसमें क्रैक पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जब पानी जाएगा और जब ठंड होगी, यानी कि जब वो फ्रीज अप हो जाएगा, यानी कि आइस की स्टेट में जाना की शुरू हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है उसमें और उसके जो उसका जो वॉल्यूम है वो उसमें इंक्रीज आ जाता है। जब उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आता है तो उसकी वजह से वो फोर्स एग्जर्ट करता है रॉक्स पे, और इतनी ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन होती है कि जिसकी वजह से वो रॉक जो है वो कभी कभी क्रैक भी हो जाती है, यानी कि वो टूट जाती है। तो ये थे हमारे पास इफेक्ट्स जो कि अनोमलस एक्सपेंशन के होते हैं, और ये हमने आज स्टडी किए हैं कि ये किस तरह से जो है हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।